वाकल विरात्रा धाम चौहटन में 16 राजस्थान बटालियन एनसीसी द्वारा गुरुवार को कैंप कमांडेंट कर्नल पीके चौधरी के सानिध्य में वार्षिक प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कैंप कमांडेंट कर्नल पीके चौधरी ने बताया कि बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा के 600 विद्यार्थियों के लिए यह 10 दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान कैडेट्स को ड्रिल, फायरिंग, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, मैप रीडिंग, हेल्थ हाइजीन, फर्स्ट एड, एनसीसी इतिहास सहित कई जानकारियां दी गई। गुरुवार को प्रशिक्षण शिविर में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के डॉक्टर रविंद्र मारू एवं कोमल द्वारा व्यक्तित्व विकास पर विशेष व्याख्यान दिया गया। कैंप के दौरान खेलकूद प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। इस दौरान सिविल डिफेंस का प्रशिक्षण भी दिया गया। हमारा 16 राज बटालियन एनसीसी बाड़मेर का वार्षिक प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। इसके अंदर 570 बच्चे हैं। इस 10 दिन के कैंप के दौरान हम इनको अनुशासन, ड्रिल, लीडरशिप और उसके बारे में जानकारी देते हैं और ख़ास चीज़ के हैं कि परिवार से अलग 10 दिन तक रहने के बारे में इनको, एक बच्चा है वो परिवार से अलग 10 दिन कैसे रहता है इसके बारे में इनको खासकर मोटिवेट करके रखना होता है हमारी। इसमें ट्रेनिंग में क्या क्या बताया जाता है? ट्रेनिंग के दौरान इनको हम ड्रिल सिखाते हैं, अनुशासन सिखाते हैं, लीडरशिप सिखाते हैं, उसके बाद में फायरिंग के बारे में इनको फायरिंग करवाते हैं और संगीत कार्यक्रम वगैरह ये भी होता है। इसके अंदर 500 और 72 प्रतिभागी है, जिसमें से 225 गर्ल्स है। ये एक बहुत ही मतलब बड़ी अच्छी चीज़ है कि इस पश्चिमी क्षेत्र के अंदर या सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर जहाँ पर लिंग भेद बहुत ही ज़्यादा है, लड़के और लड़कियों के अंदर बहुत ज़्यादा भेदभाव करते हैं, और इसके अंदर 225 गर्ल्स देख के हमें भी खुशी होती है कि लोगों के अंदर काफ़ी जागरूकता हो गई है और उन्हें विश्वास हो गया है कि बेटियाँ घर के बाहर भी सुरक्षित है और वे बेटियाँ किसी से भी कम नहीं है। कैंप में एनसीसी अधिकारी कैप्टन आदर्श किशोर, तृतीय अधिकारी जयवंती राणा, सीटीओ सरिता लीलड़, सूबेदार रुगाराम सहित पीआई स्टाफ द्वारा विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से कैडेट्स को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।